भाई ले लें, इसे खरीद लें, कंफर्टेबल तो है यार। भाई ये देखो आप कितना सही, वाओ जी। चलिए मैं हो चुकी हूँ रेडी, बिल्कुल बाल मैंने बांध लिए क्योंकि हम जा रहे हैं एक्टिवा पे ना। ओ मरो जला लो बिला लो मरो मरो मत। ये देखो आप अपने ऑर्डर हो चुका है, ये यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये देखिए आप, मतलब काफी अच्छा है इसका पूरा इंटीरियर है, ये वाला काफी अच्छा है। देखो आप डाल दो भाई, डाल दो यार, बहुत स्पाइसी नहीं लग रहा है, स्पाइसी मुझे कम लग रहा है, लेकिन ज्यादा ही मत करना, इतना भी नहीं कि मुझे जाए। तो अपना पोपट हो चुका है, अब आएंगे अपन नेक्स्ट टाइम दिन के अंदर, जब रोशनी होगी ना फिर लेकर आ जाना दिन में, कोई बात नहीं। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी ऑफिस वगैरह से फ्री होकर, अब हम जा रहे हैं फर्नीचर हाउस, मतलब यहाँ पर एक शॉप है, ठीक है। राहिल को एक्चुअली हमें स्टडी टेबल चाहिए, स्टडी टेबल ऑफिस टेबल चाहिए उसके लिए, बहुत ज़्यादा। अब पता है क्या होता है, अब आधे टाइम है ना मैं बेड पे काम कर रही होती हूँ, राहिल उधर काम कर रहे होते हैं, मतलब मुझे एक थोड़ा बड़ी टेबल चाहिए जिसमें हम दोनों बैठ के काम कर सकें। तो पीछे वाले हॉल के लिए एक टेबल, अच्छी वाली टेबल बनवाने का सोच रहे हैं। तो चलिए चल नहीं चलो, अब ये क्या जूते लेके घूम रहे हो यार? अरे यार मैं सोच रहा हूँ कि तू पहनूं या नहीं पहनूं, चप्पल नहीं चलूं, चप्पल बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को तो। चलो ऐसे ही, हाँ चलिए। नहीं यार ये पहन के, नहीं 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 आ जाइए, रख दीजिए जूते। तो खरीद ले, कंफर्टेबल तो है यार। भाई ये देखो आप कितना सही, वाओ। ये अपन लेंगे मूवी के लिए, थोड़ा कुछ बनाएंगे ना पीछे वाले हॉल के अंदर, उसके लिए लेंगे ये वाला पूरा। नाइस। चलिए जी अब मैं आ चुकी हूँ परमार्ट, ले लो पहले नजर। चलिए जी परमार्ट से हो चुके हैं फ्री, अब चलते हैं घर। हाँ जी चलिए, हो चुका है नेक्स्ट डे, ब्लॉग को भी यहीं से शुरू करते हैं फिर से। हम लोग रात को परमार्ट से आ गए थे और कुछ मेहमान घर पर आ चुके थे, इसलिए हम रात को शूट नहीं कर पाए। और अभी हो चुका है शाम, मतलब टाइम हो चुका है शाम का, और हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए। हम आज हुमाबाजी के प्लॉट पे भी जाने वाले थे, मतलब जो हमारा छोटा सा खेत है वहाँ पर। आदिल आ चुका है, अपडेट ये है, मैं दिखा दूँ वो बैठा हुआ दिखे भी नहीं रहा वो इतना सा, ठीक है। तो उसमें आदिल आ चुका है, अब उसको पढ़ाना है, पढ़ाई करने के लिए वो आया है, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसको मेजरली हम पढ़ाई के लिए यहाँ पर लेकर आए मेरे पास, मैं पढ़ाऊँगी उसे। तो बस अब निकलते हैं, रेडी होते हैं फटाफट, राहिल ने 10 मिनट्स का टाइम दिया है कि बस 10 मिनट है, इसके बाद हमें निकलना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं। हाँ दिल आगे पढ़ने, ये देखो बैग वैग आते हैं, इसकी कॉपी किताबें खुलवा दी गई हैं ये जी। चलिए मैं हो चुकी हूँ रेडी, बिल्कुल बाल मैंने बांध लिए क्योंकि हम जा रहे हैं एक्टिवा पे नाहरगढ़ पर, तो वहाँ पे बाल बांधना बहुत ज़रूरी है। और हो रही होगी बहुत ज़्यादा भीड़ क्योंकि आज संडे हो, वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम भीड़ हो जाती है। ये रहा मेरा न्यू पर्स, कैसा लग रहा है आप सबको बताना, मैं एक बार फुल लुक दिखा देती हूँ। हाँ जी तो ये रहा मेरा फुल लुक, ब्लैक शर्ट वाइट पैंट वाइट इनर, और ये मैंने स्टॉल ली है। बस चलिए चलते हैं, राहिल वेट करें वरना बहुत ज़बरदस्त गुस्सा हो जाएंगे। चलिए जी हम निकल चुके हैं, लेकिन हो चुका है अंधेरा, मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। हो गया अंधेरा भाई, हाँ ऑलमोस्ट बस हो ही गया। और हम हेलमेट्स भी ले आए थे क्योंकि हम नाहरगढ़ जाने वाले थे, लेकिन अब प्लान चेंज हो चुका है, नहीं जा पाएंगे यार, क्योंकि हमें नाहरगढ़ जाने का मेन रीजन ये था कि हमें सनसेट देखना था। काम करते हैं यहाँ पे, कैसे है बढ़िया सा घर नाम पे वहाँ चले, नहीं पे चलते हैं नाहरगढ़, नेक्स्ट टाइम चलेंगे नाहरगढ़ पे, नहीं जा रहे हैं गढ़ पे जा रहे हैं, ठीक है गढ़ जरूर है, अच्छा है बढ़िया है बढ़िया है। ओ मरो जला लो बिला लो मरो मरो मत। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गढ़ कैफे के अंदर, जो कि बिल्कुल आमेर के फ्रंट के अंदर मतलब बना हुआ है, और जो यहाँ की वाइब्स है ना, मतलब अभी जस्ट सनसेट हो चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली हमने टेबल हमने जिधर कराई थी पहले, और ये रहा देखो आमेर महल, अभी मतलब ऐसा है कि बिल्कुल सनसेट पॉइंट के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, और 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ की लाइटिंग जो होती है ना वो सबसे मेन होती है, तो वो जस्ट अभी स्टार्ट होने ही वाली है। अरे क्या ऑर्डर किया मैंने? हनी चिली पटेटो, और ठीक है, और एक वाटरमेलन मोहितो। मोहितो मत करो, मेरे लिए आप कर दो ग्रीन टी। अपने लिए क्या है? अच्छा आपके लिए कर दिया, आइस टी करना है, काम करना आपके लिए आइस टी करिए ना। हाँ हाँ जैसा भी है, कोई फ्लेवर्ड वाली चाहिए या सिंपल लेमन आइस टी? नॉर्मल कर दो आई गेस, ठीक है बढ़िया है। कोल्ड कॉफी तो नहीं मिली आपको? ठीक है, नहीं 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 वही ठीक है, आइस टी बढ़िया है, ठीक है। ये देखो आप अपने ऑर्डर हो चुका है, ये यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट है,
ठीक है, ये देखिए आप, मतलब काफ़ी अच्छा है इसका पूरा इंटीरियर है, ये वाला काफ़ी अच्छा है देखो आप। और देखो इसके अलावा इसका अंदर बैठने का भी है, अगर आपको अंदर बैठना हो तो आप अंदर भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो इसका जो एग्जैक्ट जो मतलब इसका व्यू है ना पूरा बाहर से ही आता है यहाँ से देखने के अंदर। ये देखो आज हनी चिली पटेटो खा लूँ क्या? खा लीजिए, वेट करूँ? अच्छे हो तो आप वेट करोगे। ये लेमन टी है ना, लेमन आइस टी? नहीं मैं ये नहीं, आई एम ओके विद दिस। मुझे तो ठीक लगी ये चीज़, तुम बताओ कैसी लग रही है? मुझे ना हनी चिली पटेटो सबके आगे पसंद नहीं आते, मतलब इतना स्पाइसी नहीं लग रहा मुझे ये, मतलब इट शुड बी मोर स्पाइसी, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का, लेकिन क्रिस्पीनेस अच्छी है ना, क्रिस्पीनेस अच्छी है, कई लोग ना क्रिस्पी नहीं करते। हाँ नहीं नहीं बट स्टिल यार थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा स्पाइसी था मुझे तो, स्पाइसनेस, सॉस नहीं है स्पाइस वाला कोई, ले बना उठाओ ना ये रहा। भाई देखो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी यहाँ की आमेर की लाइट को ऑन करने के लिए, ठीक है, तो जैसे यहाँ की लाइट ऑन होगी ना भाई ये तो पूरा व्यू आएगा ना बड़ा प्यारा आएगा, हम जब जाएंगे जब लाइट ऑन होगी, लाइट्स ऑन, हाँ लाइट्स ऑन करके फोटो वोटो लेके उसके बाद जाएंगे। डाल दो भाई, डाल दो यार, बहुत स्पाइसी नहीं लग रहा है, स्पाइसी मुझे कम लग रहा है, लेकिन ज्यादा ही मत करना, इतना भी नहीं कि मुझे जल जाए। बस कर भाई क्या हो गया, पूरा पैसा वसूल करोगे क्या? हाँ डाल दो, कम कम कम, ज्यादा नहीं, क्या होता है ना यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो कमी मुझे लग रही है वो लग रही है म्यूजिक की, नो म्यूजिक, कोई म्यूजिक ही नहीं है यहाँ पे, बस लोगों की बातें सुनो, आवाज आ रही है, बात सुनते रहो, देखो पीछे लाइट जल रही है, देखो अभी नहीं जल रही है, थोड़ी मतलब स्टार्ट हुई है, और ये देखो मैं खा रही हूँ इतना सा, यही खाऊंगी बस, इतना ही खाऊंगी, पच्चीस इतना सारा खाने पड़ेंगे क्योंकि मैं इतना सारा नहीं खाती हूँ, ये फ्राइड, कोई बात नहीं यार कल जिम चले जाएंगे उसमें क्या है, क्रिस्पी बहुत ज्यादा है। चलो चलो चलो, पोपट हो गई हमारी, लाइट नहीं जली, लाइट जलती है 8 से लेकर 9 बजे तक, हाँ कभी कभी भी आओ तो फिर 8 बजे आना, दिखाओ वहाँ पे देखो लाइट नहीं जली, कम कम लाइट जलती है 8 से 9 बजे वाला श्योर है, कई बार दिन में आएंगे यहाँ का, दिन का भी अच्छा है, रात का अच्छा, तो अपना पोपट हो चुका है, अब आएंगे अपन नेक्स्ट टाइम दिन के अंदर जब रोशनी होगी ना, फिर लेकर आ जाना दिन में, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, ले आएंगे यार उसमें क्या है, या तो मॉर्निंग, या तो मॉर्निंग के अंदर आएंगे या फिर जो है ना इवनिंग में आएंगे, अभी भी ले आओ अपन को तो ले आओ। भाई लोग अभी हम लोग कैफे से आ चुके थे और अब टाइम है थोड़ा डिनर करने का, क्योंकि देखो वहाँ का सब कुछ बढ़िया था लेकिन मुझे थोड़ा मतलब जो खाना वगैरह होता है इतना अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए मैं वापस से यहाँ पे आके खाना खा रहा हूँ घर के अंदर। खाते हैं आज गर्मा गर्म स्टू, और अरे यार ये रोटी तंदूर वाली क्यों ले आई, हाथ की नहीं है क्या, हाथ की तो बनाइए, नहीं यार तंदूर की मुझे थोड़ा थोड़ा क्या सही नहीं लगती है यार, हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं है कोई, मैं तो हाथ की खा रही हूँ एक ही, अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलिए कोई दिक्कत नहीं, खा लेंगे आज,